अगले वक्ता का मैं स्वागत करना चाहूंगा। अगले वक्ता है प्रोफेसर विजय राघव रेड्डी सर। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में हिंदी विभाग के द्वारा जो दक्षिणी भाषा और साहित्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसका प्रथम सत्र है। प्रथम सत्र में जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनके लिए और हमारे मंच पर जो अन्य वक्ता लोग हैं और सामने मेरे सामने बैठे हुए कई विद्वान, मेरे परिचित, पूर्व परिचित, चिर परिचित व्यक्ति भी हैं, सब लोग नाम नहीं लूँगा मैं इस आयोजन को आयोजित करने के लिए प्रोफेसर कट्टीमणि को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में बुलाया, अपने कई परिचित मित्रों से मिलाने का अवसर प्रदान किया, बल्कि इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है कि आजकल के ज़माने में उपेक्षित भाषा दक्षिणी और समाज में प्रतिष्ठा से वंचित भाषा जो दक्षिणी है, उस भाषा को लेकर के, उसके साहित्य को लेकर के एक शुरुआत की इन्होंने, और ये शुरुआत ही न रह करके निरंतर इस दक्षिणी पर काम होता रहे। जिस सवेरे भी हमारे मित्र दिलीप सिंह जी ने एक ख्वाहिश रखी थी कि इस विश्वविद्यालय में एक पीठ की स्थापना हो जो दक्षिणी पर केंद्रित हो और एक सेंटर ऐसा हो, चाहे एडवांस सेंटर हम दक्षिणी लैंग्वेज लिटरेचर पर, और इसके लिए उपयुक्त स्थान, उपयुक्त विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय छोड़कर और कोई विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ ये नया विश्वविद्यालय है, हमारे मित्र जो कट्टीमणि जी डायनेमिक है और यंग एनर्जेटिक है, आपको बता दो ये केवल कट्टीमणि नहीं है, ये तेजस्वी कट्टीमणि है, इनके नाम के साथ तेजस्वी जुड़ा हुआ है। तो इस नाते मैं समझता हूँ कि आगे चल करके इस शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा केंद्र बनेगा, ऐसा एक सेंटर बनेगा दक्षिणी पर अध्ययन करने के लिए, हम लोगों की सबकी उम्मीद यही है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये नई अच्छी शुरुआत की है। और अपने पेपर को प्रेजेंट करने से पहले चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। असलियत में इस पेपर को दो लोगों ने लिखा, एक मैं और एक प्रोफेसर शकुंतला रेड्डी जो केंद्रीय संस्थान में इस समय प्रोफेसर है, हम दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। वास्तव में इस पेपर के तैयार करने के पीछे हमारे सामने एक दूसरा मकसद था, उद्देश्य था कि हमने देखा, मेरे सामने समस्या खड़ी हुई थी, मैं केंद्रीय संस्थान से संबद्ध व्यक्ति हूँ, हिंदी तर भाषी हिंदी जो अध्यापक है उन लोगों को हिंदी उनको पढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये देखा गया चारों दक्षिण की राज्यों में जो चार भाषा भाषी है उनकी तुलना में हिंदी सीखने में दक्षिणी भाषी पिछड़ रहे थे, और जबकि ये समस्या हमारे सामने ही नहीं थी, बल्कि आंध्र प्रदेश सरकार में एक रेजिडेंस स्कूल सोसाइटी है, मुफ्त में सारी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, और एक जब मैं हिंदी संस्थान का प्रभारी था उस वक्त मेरे पास उनका टेलीफोन आया था, ये मुझे बुलाया गया था, मुझसे पूछा गया था, साहब देखिए ये तेलंगाना एरिया के खास करके जो दक्षिणी भाषा से परिचित जो लोग हैं उन लोगों का रिजल्ट बहुत ख़राब है, जबकि रायलसीमा और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के लोगों के रिजल्ट में हिंदी, जहाँ तक हिंदी संबंध है वो ठीक है, ऐसा क्यों है? मैंने कहा ये तो बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने महसूस किया है जिस तरह से लर्निंग
एक कठिन चीज़ है। इसी प्रकार से अनलर्निंग भी सीखी हुई भाषाओं को संदर्भ के अनुसार छोड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इनका परिवेश पूरा जो है दक्षिणी से है, और दक्षिणी और मानक हिंदी जिस जो हम पढ़ाते हैं, जिसको हम इस समय औपचारिक शिक्षा में देते हैं, उन दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए ये चीज़ है। और जब ये बात सामने आई थी, हमने क्या किया, रंगारेड़ी जिले के जो हिंदी टीचर्स हैं, आप जानते हैं रंगारेड़ी जिला तो रूरल एरिया हैदराबाद का, अधिकांश लोग उनका परिवेश दक्षिणी से है, उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम 3 सप्ताह किया हमने, उन लोगों से लिखवाया, उन लोगों से बुलवाया, उस डेटा को आधार बना करके हमने भाषिक विश्लेषण किया है। और ये उस विश्लेषण के आधार पर जो कॉन्ट्रास्ट पॉइंट्स मिले थे, वितरेकी बिंदु मिले थे, उनके आधार पर हमने शब्द को नहीं लिया, क्योंकि शब्दों पर ध्वनियों पर काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन व्याकरण संरचना या भाषिक संरचना को लेकर के हमने काम किया है। तो इसलिए हमने एक पेपर तैयार किया था, और ये 1989 की बात है, 1989 के फरवरी मार्च की बात है। तो 3 सप्ताह प्रोग्राम था, संयोग से उन्हीं दिनों मार्च 31 अप्रैल 1 को दक्षिण भारत हिंदी सभा में दक्षिणी भाषा साहित्य पर एक संगोष्ठी हुई थी, उसमें परवंत पांचाल सब लोग बैठ आए थे, 2 दिन गोष्ठी थी। तो वो उसमें इस पेपर को हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, और उसके बाद भी काफ़ी संशोधन आदि हम लोग करते रहे। तो इस समय जो पेपर आपके सामने मैं रखूँगा भाषिक संरचनात्मक विषय लेकर के, वो उसका परिवर्धित और संशोधित रूप है। और इसमें हम देख सकते हैं, तो उस संगोष्ठी के बाद भी दक्षिणी पर हमने कुछ काम किया। एक 1992 में यहाँ हैदराबाद में एक हैदराबाद का 400 सालाना सालगिरह, मैंने 400 साल के पूरे होने पर हम लोगों ने केंद्रीय संस्था हैदराबाद केंद्र और उर्दू डिपार्टमेंट उस्मानिया विश्वविद्यालय और तेलुगु विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तीनों ने मिलकर के एक 4 दिन की संगोष्ठी की थी। उस वक्त मैं इस हिंदी संस्थान का प्रभारी था। उस 4 दिन की चतुष्शती हमने कहा है, उस चतुष्शती के अवसर पर हमने जो टॉपिक लिया था, तेलुगु हिंदी उर्दू दक्षिणी आपसी अनुवाद आदान प्रदान समीक्षा समस्या संभावना है, वो 4 दिन की गोष्ठी हमने की थी उस सिलसिले में, और 3 संस्थाओं ने मिलकर के। और उस 4 दिन की संगोष्ठी में तेलुगु में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी पेपर्स इन्वाइट किए थे। ये करीब 30 पेपर्स, अच्छे पेपर्स आए थे, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। 4 दिनों में 90 प्रतिभागी लोग उसमें उपस्थित थे। ये 1992 की बात है, 7, 9, 10 नवंबर की बात है, वो चतुर्थी मनाई थी। तो उस वक्त भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ था, चारों भाषाओं में ये पेपर्स आए थे, दक्षिणी को लेकर के, उर्दू को लेकर के, परस्पर अनुवाद को लेकर के। तो लेकिन अब आप जानते हैं कि हम लोग सेमिनार करते हैं, लेकिन उन पेपरों का अभी प्रकाशन नहीं हो पाया है। यदि ये उर्दू विश्वविद्यालय आगे चल करके इस तरह से पुराने जो पेपर्स भी अगर छापना चाहता है, तो फिर हम लोग उसके लिए सहायता दे सकते, क्योंकि सारे मैनुस्क्रिप्ट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस भूमिका के साथ, तो मैं ये हमने जो डेटा इकट्ठे किए थे उसमें कि जो उनकी मेरा पेपर का ये नाम है दक्षिणी
की भाषिक संरचना पर दक्षिण की भाषाओं का प्रभाव। यहाँ मैंने चारों भाषाओं को लिया क्योंकि यहाँ चारों द्रविड़ भाषाओं की संरचना में समानता है, भाषा संरचना में, इसलिए ये सब चारों जो है ये कॉग्रेट लैंग्वेजेस है और एक भाषा भाषी दूसरी भाषा को बहुत ही जल्दी से आसानी से सीख भी सकता है, स्तर करते हैं। तो यहाँ जो है तो यहाँ चारों दक्षिण की भाषाओं की संरचना एक होने के कारण से हम ये कह सकते हैं पूरे चारों भाषाओं के लिए जो संरचनात्मक प्रभाव, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का क्या प्रभाव, उस पर हम कर सकते हैं। सो मेरे दिलीप सिंह भी कह रहे थे कि एक प्रकार से ये पिजन के रूप में आती है इस भाषा, ये दक्षिणी पर जब विचार करेंगे भाषिक विश्लेषण के आधार पर, ये दो मुख्य बातें आती है। एक तो एक सरलीकरण की प्रक्रिया, सिंप्लीफिकेशन, दूसरा जो है संकरण, हाइब्रिडेशन। तो ये इन दोनों की दृष्टियों से हम भाषा विश्लेषण के आधार पर ये विचार कर सकते हैं। ये सरलीकरण प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक है और आदमी ये चाहता है ये हम लोग शॉर्टकट वो ढूंढ ले। तो ये ऐसी एक भाषा है ये, तो ये शुरू में ये पिजन रूप में, पिजन माने दो भिन्न भाषा भाषी समुदाय जब एक जबर मिल जाते हैं किसी उद्देश्य से, किसी कार्य के लिए, तब जो है एक तीसरी भाषा माने संकर भाषा मान लीजिए, एक ऐसी एक सामाजिक आवश्यकता होती है, माने वो दोनों भाषाओं के कुछ तत्व उसमें होते हैं और वो किसी की मातृभाषा नहीं होती है, दो भिन्न भिन्न भाषा भाषी है। उस मौके पर केवल उस वक्त उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो उस समय वो भाषा जो होती है उसको भाषा विज्ञान में पिजन कहा गया है। और पिजन किसी की मातृभाषा नहीं होती है, लेकिन कालांतर में जब वो पिजन ही लोगों की मातृभाषा बन जाती है, माने जब वो मातृभाषा बन जाए तब उसका नाम दिया गया भाषा विज्ञान में क्रियोल। माने एक प्रकार से इस समय जो दक्षिणी हमारे सामने है वो एक ज़माने में पिजन रूप में थी, बाद में उसी को मातृभाषा रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया, एक प्रकार से एक क्रियोल रूप में इस समय हम हिंदी को दक्षिणी को देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने शुरू में इसलिए कहा था कि ये उपेक्षित भाषा और सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित भाषा, मैंने ये बात कही थी। विडम्बना देखिए, 1891 की जनगणना में दक्षिणी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 36.5 लाख थी। 1891 में सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी, उसमें मातृभाषा मातृ जुबान कहने वाले 36,50,000 लोग थे। 1971 की जनगणना में घटकर सिर्फ 11,053 लोग रह गए। इसका कारण कालक्रम में दक्षिणी की सामाजिक प्रतिष्ठा में ह्रास होना ही है, सामाजिक प्रतिष्ठा घट गई। आर के हटमन कहते हैं कि भाषाएं सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यवस्थाएं नहीं होती है, वे आपसी गहन संपर्क के कारण से एक दूसरे में इंटरप्रेट हो जाती है। इसे भाषा विज्ञान शब्दावली में अभिसरण कन्वर्जेंस कहा गया है, इसको विलीकरण भी कहते, फ्यूजन भी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में सम्मिश्रण, अमालगमेशन, दो भाषाओं का एक साथ मिल जाना। और पिजन का संदर्भ में या आपसी संपर्क विशिष्ट प्रकार से होने के कारण से इसको हाइब्रिड भी कहते हैं, माने फंडामेंटल हाइब्रिडेशन से इस भाषा ये दक्षिणी बन गई है। और ये इसको कई लोगों से कई नाम से पुकारा गया है, रिड्यूस्ड लैंग्वेज, मिक्स्ड लैंग्वेज, न्यूनतम व्याकरण वाली भाषा, लैंग्वेज ऑफ मिनिमम ग्रामर, इसी प्रकार इसमें बाजारू भाषा ऐसा कुछ नाम दिए गए हैं। तीसरी बात देखिए, यह भी विचित्र स्थिति है कि साहित्य के स्तर पर दक्षिणी भाषा का साहित्य तो मौजूद है, पर आजकल ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है कि जो गर्व से कह सके मेरी मातृभाषा दक्षिणी है।
विचित्र बात है, मैंने देखिए 14 और 18 सदी के बीच में बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया था इसमें, और इसमें इन तो इन भाषाओं में दक्षिणी स्थानीय भाषाओं में जैसे मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल ना अपना करके वो लोग जो आए थे, और बोलचाल साहित्य बोलचाल व साहित्य में तथा कथित हिंदी भी का प्रयोग किया है। चूंकि इनमें से अधिकांश लोग दिल्ली मेरठ से संबंधित थे, अतः इनकी भाषा में मध्यकालीन खड़ी बोली और बांगरू का नमूना भी था। वास्तव में बांगरू का भी हरियाणी जो कहते हैं बांगरू का भी इसमें मिलता है। उत्तर में तब तक बोलचाल के रूप में प्रचलित देहलवी या खड़ी बोली बांगरू शैली को इन दक्षिणी मुसलमानों के कारण दक्षिण में साहित्य की प्रतिष्ठा मिली है। वास्तव में इनके कारण दक्षिण में साहित्य की प्रतिष्ठा मिली है, और उन दिनों इस भाषा को दक्षिण के राज्यों में राजभाषा की तरह सम्मान भी मिला था। यही दक्षिणी साहित्यिक शैली में पुनः उत्तर में पहुँच करके रेखता शैली में फारसी के शरीफाना में रंग में रंगकर उर्दू ए मुगल्ला और बाद में उर्दू आदि कहलाने लगी थी। चूंकि यहाँ के कवि सभी मुसलमान थे और भाषा मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त थी, इस कारण दक्षिणी हिंदी को मुसलमानी भी कहा गया है। तो ये इसमें चूंकि लोकल लोग जो है उन लोगों संपर्क होने के कारण से और वो ऐसे एक मिलीजुली भाषा से बन गई थी, और गांव के बने जबकि भले ही बाद में उर्दू जो है यहाँ उस्मानी में आदि में जो है एक माध्यम की भाषा बन गई थी, तो इस समय जो है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ हैं वो सबके सब जो है क्योंकि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये दक्षिणी का नामो निशान नहीं है। हमारे जनगणना रिपोर्ट में वो भाषा ही हटाई गई है। कारण क्या है? प्रतिष्ठा सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है और उपेक्षित हो गई है, कोई जो है मेरी भाषा कहने के तैयार नहीं है। साहित्य तो बहुत कुछ है, भविष्य साहित्य, ये ऐसी स्थिति इस समय ये दक्षिणी की बनी हुई है। और ये जो जहाँ तक हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स लिखा, मैं कुछ ही नमूने दूंगा आपको क्योंकि पूरा बताने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए सर्वनामों में काफ़ी वो दक्षिणी भाषाओं से लिया है, तो जैसे अपन है तेलुगु में जो है ना मनमु मेमु दो अलग अलग सर्वनाम है, और इस तरह से अपन बाबा अपन कब जाएंगे, इसी प्रकार से कौन और मैंने तेलुगु में दक्षिण की भाषाओं में एक संज्ञा के दीर्घकरण से एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जैसे यवड़ू मैंने कौन, यवड़ू मैंने कोई, मैंने कोई शब्द जो है दक्षिण भाषाओं में समानांतर नहीं है, इसलिए उदाहरण के लिए देखिए कि यवरू लेरू मैंने कोई भी, उसका हिंदी में जो है कौन कौन नहीं है मैंने कोई नहीं है, इस तरह से यवड़ू देखिए, इस तरह देखिए यदि यवरू तेलुगु, ये तेलुगु शब्द है, ये कौन भी नहीं खाते मैंने कौन मैंने कोई भी के लिए कौन भी नहीं खाते, इस तरह से आता है। और मैं आई जब कौन भी नहीं, जब मैं आया तब कोई भी नहीं था, इस तरह से। तो उदाहरण मैंने कहने काफ़ी इकट्ठे किए हैं, कोई आया है मैंने ये इसका कौन तो भी आया, कौन तो भी आया या कौन तो भी आया मैंने यवरो उच्चारू तेलुगु में यवरू मैंने कौन है, यवरो मैंने एक संदेहास्पद है, कौन तो भी आया। तो इस और इसी प्रकार से कौन आया और यवरो उच्चारू तेलुगु में है उसका, और यमो क्या की, यहाँ कौन आया ये यवरो उच्चारू तेलुगु में बोलते हैं, यमो मैंने क्या की मैंने कोई क्या मैंने क्या की, यवरो के लिए क्या की शब्द प्रयोग हम लोग करते हैं, वो क्या की बोल रहा। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्रियाओं का लोप होता है, बोल रहा है नहीं हुआ आता है इसमें, ये इसी पर दक्षिणी भाषाओं में यह भारत है कि बोलते नहीं, ये मेरा भाई है की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से नैनु वचन तरवात नु वेलू, ये मेरे आने के बाद तुम जाओ, मेरे जाने के बाद तुम आओ, तो वो मेरा होता है लेकिन दक्षिणी में तेलुगु में नहीं होता, इसलिए वहाँ भी जो है ना ये मैं आने के बाद तुम जाओ, नहीं इस तरह से कई उदाहरण मैंने इकट्ठे किए हैं। तो ये इसी प्रकार से एक विशेष बात यह है दक्षिण तेलुगु में खास करके नेगेटिव्स कादू उसका विलोम अवनु, वद्दू
का कावाली लेदु का उंदी। अब देखिए इसमें कादू के लिए क्या बोलेंगे, दक्षिणी में नहीं होता, वो मेरा भाई नहीं होता, वो मेरा भाई का ना तमुड़ का कादू ना अन्न कादू, कादू के लिए नहीं होता। इसी प्रकार से नको अभी बताया उन्होंने, नको मैंने उद्दू मैंने उसके नको वास्तव में उद्दू तेलुगु का शब्द है, उसका जो अपोजिट कावाली, कावाली मैंने चाहिए उद्दू मैंने नहीं चाहिए, उसके एकदम कहते हैं नको। इसी प्रकार से लेदु उंदी, लेदु मैंने नहीं है, और ये लेदु जो है खासकर तेलुगु भाषा में लेदु नहीं है, उंदी माने है, है तो उसके लिए नहीं नहीं बोलते इसके, नहीं मैंने वो यहाँ नहीं है। इसी प्रकार देखिए कुछ उदाहरण मैंने दिया है इनमें कि अम्मा मेरे को जावा बोल के बोली, बिल्कुल उसका तेलुगु का ही या दक्षिण भाषाओं का अम्मा नन्नु पम्मन चेप्पिंदी, अम्मा मेरे को जावा बोल के बोली, तो क्या भी खाओ नको बोली बोल के बोली। इस तरह कई उदाहरण हमने केवल वाक्यों के स्तर पर लिया है। इसी पर देखिए अब तुम दोनों क्या होते, वो ये अपने होते इसका अब आप आपस में एक दूसरे क्या लगते बोलने के लिए, ये पूरी मेरी दुर यम उतारो, बिल्कुल उसका हूबहू दक्षिणी अनुवाद है, इप्पुड़ मीरु मीरिद्दर एमवुतारो, अब आप आपस में क्या एक दूसरे क्या लगते हैं इतने लंबे बोलने के लिए, अब तुम दोनों क्या होते। इसी प्रकार से वाड़ू दोंग कादु, मतलब वो चोर नहीं है, वो चोर नहीं है के लिए अब इसमें उन्हों चोर नहीं का तो नहीं होता, उन्हों चोर नहीं होता, वो चोर नहीं है बोलता लंबा बोले वो चोर नहीं होता, मैंने उर्दू उसमें नहीं के लिए। तो इस तरह से कई उदाहरण हमने किए हैं, और एक राजा था कते, वो लोग शाम को आते कते, उन्हों अब खाते नहीं कते, कब खाते कते क्या कि साहब, ये सब इस तरह से ये पूरा चलता है। तुम खाए नहीं खाए मैंने न्यू तिन्नावा लेदा, तिन्नावा तिन लेदा मैंने तेलुगु आदि में तुमने खाया या नहीं खाया, इतना लंबा उसके लिए क्या कहेंगे, तुम खाए नहीं खाए, उन्हों आए नहीं आए, मैंने दो बार क्रिया का उन्हों आए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा वो आए कि नहीं बदले वो आए है नहीं आए है। इस तरह से ये इस तरह से सरलीकरण की जो भाषा और हाइब्रिडेशन की भाषा है, कभी कभी क्या होता है ये इसका मैंने एक उदाहरण दिया है, ये दक्षिणी की आत्मा भले ही मध्य देश की हो, उसकी शरीर जो है उसका शरीर द्रविड़ी है, द्रविड़ भाषा व्याकरण का हिंदी में प्रकाय प्रवेश जैसा लगता मुझे कि दो भिन्न भिन्न भाषा परिवारों की भाषाओं के इस प्रकार के विलीकरण जो फ्यूजन का, विश्व में दक्षिणी एकमात्र भाषा नहीं है, ऐसे और कई उदाहरण है इसमें, जैसे सिंगली भाषा है, सिंगली भाषा के बारे में कहा गया है, सिंगली को द्रविड़ और आर्य भाषाओं के विलीकरण के एक और प्रबल उदाहरण मानते हैं। एक कोट मैं कर रहा हूँ इसमें अंग्रेजी में है कि लेट मुदलियार डब्ल्यू एफ गुणवर्धने सेड दैट द सिंगली वॉज एसेंशियली ए द्रविड़ियन लैंग्वेज सिंगलिस, इट्स एवोल्यूशन सीम टू हैव बीन बेस्ड ऑन तमिल, सिंगलिस इज द चाइल्ड ऑफ पाली एंड संस्कृत, बट विथ रिगार्ड टू इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर इट इज एसेंशियली द लैंग्वेज ऑफ तमिल। इसी तर्ज पर हम कह सकते हैं, तो दक्षिणी के संदर्भ में जो कह सकते हैं हम लोग, दक्षिणी इज द चाइल्ड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, विथ रिगार्ड्स टू इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर इट इज एसेंशियली द लैंग्वेज ऑफ द्रविड़ियन, क्योंकि ये एक आत्मा उसकी भले ही ये उर्दू को उसकी हो, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इस तरह से है। कभी कभी क्या होता है, ये सरलीकरण से इतनी एक भ्रम होता है, मैं एक उदाहरण से समाप्त कर दूंगा। एक हिंदी जो है हर जगह जल्दी समय नागालैंड में कोहिमा में एक नागा फैमिली ने एक हिंदी फैमिली के
पति पत्नी को बुलाया था खाने पर, तो नागा पत्नी, नागा अफसर की पत्नी बहुत ही प्यार से खाना खिला रही है हिंदी अफसर को और उनकी पत्नी को। वो कहती है, इतना इतना खाता, अपना घर समझता, शर्म ही नहीं करता। मतलब वहाँ जो क्या है, करता ही जानते वो, इतना इतना खाओ, अपना घर समझो, शर्म ना करो। उस देखिए कितना सरलीकरण, कितना क्या हो गया, उसका अर्थ का अर्थ हो गया, इतना इतना खाता, अपना घर समझता, शर्म नहीं करता। तो ये इस तरह से कभी, लेकिन हिंदी दक्षिणी में ऐसी तो बात हुई नहीं है, लेकिन सरलीकरण जो प्रक्रिया हिंदी किसी भाषा की होती है, इस तरह से अर्थ भी हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं ये विश्वास करता हूँ आगे आगे भी दक्षिणी पर इस तरह से उर्दू विश्वविद्यालय में कार्य होता रहेगा। धन्यवाद।